अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो। जब आप जवान होते हैं और आपके हार्मोन बनते हैं और उस हार्मोन्स की वजह से वो वीर्य बनता है तो वो बाहर निकलना चाहिए। यदि उन ग्लैंड्स में वो वीर्य इकट्ठा होगा तो वो ग्लैंड्स का फंक्शन जो है या उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी और वो उनमें इन्फेक्शन होगा और वो सड़ेगा। यदि आपके घर में खाना बना है या तो आप उसे खाएंगे, नहीं खाएंगे तो उसे फेंकेंगे, लेकिन यदि वही खाना आप प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो सड़ेगा आपके घर में और बदबू करेगा। तो आपको वो चीज जो कोई भी कितनी भी अच्छी चीज है आपको उसको हटाना है, तो वीर्य जो बन रहा है उसको निकलना जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इन डॉक्टर भाई साहब का कहना है कि आप जितनी मर्जी चाहे सीमन को बर्बाद करो, इससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेदा और हमारी प्राचीन सभ्यता के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सीमन के बारे में कुछ और ही कहानी बताते हैं। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से भगवान शिव खुद ये बताते हैं कि सिंधे विन्दु महायत्ने की न सिद्धयति भूतले यस्य प्रसादन महिमा मम प्रत्यदर्शो भवेत। अर्थात जिसने अखंड ब्रह्मचर्य को यत्न पूर्वक सिद्ध कर लिया है उसके लिए इस पृथ्वी में कुछ भी हासिल करना दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा सिद्ध पुरुष मेरे समान ही कार्य करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा क्लियरली भगवान शंकर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से बताते हैं। वहीं अगर हम जैन धर्म में देखें तो यहाँ पे भी अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। वहीं अगर अथर्ववेद की बात करें तो वहाँ पे तो ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है, व्रतेषु वेवी ब्रह्मचर्यम। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें किन की सुननी चाहिए, एक पढ़े लिखे डॉक्टर की या फिर अपने प्राचीन विज्ञान को एक्सप्लेन करने वाले ग्रंथों या पुराणों की? और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे होगा क्या, और आखिर कितने दिन में हमारी खोई हुई शक्ति की भरपाई होगी, और सच में इन सब बातों का कोई ठोस प्रमाण भी है या बस ये यूं ही हवा में बातें फैलाई जा रही है? तो दोस्तों आपके इन सारे सवालों के जवाब आज हम प्रॉपर रिसर्च पेपर और आयुर्वेदा में लिखे हुए श्लोकों के प्रॉपर एविडेंस के साथ बताने वाले हैं, वो भी बिना कोई फिल्टर के। इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो जो बातें वीडियो में बताई जाएगी उन सभी के प्रूफ एंड एविडेंस के लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्राम, मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब अगर दोस्तों आप अभी ऑनलाइन जाके गूगल या किसी भी सर्च इंजन में ये सर्च करोगे कि अकॉर्डिंग टू द साइंस सीमन रिटेंशन इज गुड और बैड, तो आपको क्लियर रिजल्ट मिलेगा कि भाई मेडिकल साइंस के पास अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद ही नहीं है जो ये बात बता सके कि सीमन रिटेंशन हेल्दी है या नहीं। यही वजह है दोस्त कि डॉक्टर और मेडिकल साइंस सीमन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य का समर्थन नहीं करते। इसलिए हमने मेडिकल साइंस को छोड़कर पास की लाइब्रेरी में जाकर प्राचीन आयुर्वेदा के ग्रंथों से हमारी रिसर्च करनी शुरू की, और वहाँ पे हमें महर्षि सुश्रुत का लिखा हुआ श्लोक सुश्रुत संहिता में मिला जो ये कहता है, रसातर्वक्तम ततो मासम मसा मिन्दय प्रजयते मेदस्य अस्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवम। अर्थात जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, फिर 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त यानी कि ब्लड बनता है, और 5 दिन बाद रक्त से मांस बनता है, और इसी तरह 5-5 दिन के अंतर में मेद अस्थि मज्जा और अंत में शुक्र धातु का निर्माण होता है, और इसी तरह इस सप्त धातु से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। आप भाई जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि महर्षि सुश्रुत एक फिजिशियंस थे जिन्होंने भाई आज से तकरीबन 3000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल की थी, और उन्हीं की बताई हुई टेक्निक को आज मॉडर्न साइंस इस्तेमाल कर रही है लोगों का इलाज करने के लिए। तो भाई यहाँ पे खुद महर्षि सुश्रुत इस श्लोक के जरिए हमें ये बताते हैं कि जैसे ही आप कुछ खाना खाते हो तो वो खाना सबसे पहले डाइजेस्ट होकर रस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मॉडर्न साइंस प्लाज्मा फ्लूइड कहती है, और जब 5 से 6 दिनों के बाद बॉडी इस रस को डाइजेस्ट कर लेती है तब इस रस से बनता है रक्त यानी कि ब्लड, और इसके बाद इस प्योर ब्लड का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी मासा यानी कि मसल बनाती है, जिसके कारण ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। फिर इस मसल टिश्यू से बनता है मैदा यानी कि हेल्दी फैट टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज का काम करता है जिससे कि हमें शक्ति मिलती है, और इसी एनर्जी यानी कि मैदा का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी अस्थि यानी कि हड्डियां बनाती है, और जब हमारी बॉडी अस्थि यानी कि बोन टिश्यू क्रिएट कर लेती है तब इन हड्डियों से बनता है बोन मैरो, और आखिर में इस बोन मैरो से बनता है शुक्र धातु, जिसे मॉडर्न साइंस आज के जमाने में सीमन कहती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, लेकिन मेल की बॉडी में इसे सीमन कहा जाता है जबकि फीमेल की बॉडी में इसे एक्सेल ओम या रश के नाम से उसे जानते हैं। तो अब अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुक्र धातु बाकियों के 6 धातु के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म से मिलकर आखिर में बनता है, इसलिए आयुर्वेदा के मुताबिक ये बॉडी का सबसे पवित्र और प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है क्योंकि इसमें एक नई जिंदगी देने की शक्ति होती है। और भाई मजेदार बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस भी आयुर्वेदा की इसी प्रोसेस को बिल्कुल सही मानती है कि हाँ भाई इसी सप्त धातु से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम इसी बात को मॉडर्न साइंस के डॉक्टर या साइंटिस्ट को कुछ अलग तरीके से पूछेंगे कि सर अगर हम हमारी बॉडी में से हर दिन
ज्यादा नहीं, बस 10 ग्राम खून ही निकाल करके फेंक देंगे तो क्या ये चलेगा? तो इस पर भाई वो तुरंत भड़क जाएंगे कि क्या तुम एक बेवकूफ इंसान हो, क्योंकि इस तरह से खून की बर्बादी करने से बस कुछ ही दिन में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे और इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है पिता। सिमिलरली अगर हम हड्डियां, मसल और बोन मैरो को बर्बाद करने की बात करेंगे तो उस पर भी मॉडर्न साइंस और डॉक्टर हमें कभी ऐसी बेवकूफी करने नहीं देते। लेकिन जब बात सीमन की आती है तब वो बिंदास होकर बोलेंगे कि नहीं यार, इसकी तो क्या ही जरूरत है, तुम उसे जितना मर्जी चाहे उसे बर्बाद कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि भाई आयुर्वेदा में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि लगभग 100 बूंद प्योर ब्लड से 30 से 40 दिनों के बाद जाकर एक बूंद सीमन बनता है। तो अब आप खुद सोचिए भाई कि अगर हर दिन 100 बूंद प्योर ब्लड को पाना हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसी ब्लड से बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट सीमन को हर दिन यूं ही बर्बाद करने से भला हमारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान होता होगा। और ये सच्चाई जानने के बाद क्या ये करना सही होगा हमारी बॉडी के लिए? अपना दिमाग खुद लगाइए दोस्त और अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अब सच बताऊं तो मैं मॉडर्न साइंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं और मेरी मॉम खुद मेडिकल फील्ड में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेडिकल साइंस ने हजारों करोड़ों लोगों की जान बचाई है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो बात गलत हो रही है उसे मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अब ये बात मॉडर्न साइंस और डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ पूंजीवादी लोगों ने सालों से जानबूझकर इस रहस्यमय चीजों को बाहर आने ही नहीं दिया है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है जिसका शिकार हम जैसे लोग हर रोज होते हैं। और आलम ये हो जाता है कि ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आकर बेचारे अनगिनत बच्चे सीमन को बेफालतू में ही अपने शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जो कि एक समय के बाद भयंकर एडिक्शन का रूप ले लेती है। और भाई तब लोगों को ये रियलाइज होता है कि उन्हें जानबूझकर इस माया जाल में फंसाया गया है। और इसी तरह से बड़ी ही चालाकी से लोगों का कीमती टाइम, एफर्ट एंड मनी पूंजीवादी लोगों के जेब में बड़ी ही चालाकी से चला जाता है, जिसका प्रमाण आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको अनगिनत लोग अपना ये दर्द भरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे। बाकी जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर उन्हें किनकी बात सुननी चाहिए, तो उनके लिए जर्नलिज्म में एक बहुत ही पॉपुलर बात कही जाती है कि जब एक साइड के लोग ये कह रहे हो ना कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरी साइड के लोग ये कह रहे हैं कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, तब ऐसे केस में समझदारी यही होती है कि आप खुद बाहर जाके देख लो कि बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि खुद के अनुभव से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं होता, प्रमाण आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त आयुर्वेदा ने खुद हजारों साल पहले ही हमें ये बता दिया है कि जब एक इंसान बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, तब इससे उसके शरीर में तीन तरह के प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, एक फिजिकल प्रॉब्लम, दूसरी डिवाइन प्रॉब्लम और तीसरी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। जहां फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर एक इंसान ये महसूस करता है कि ज्यादा ब्रह्मचर्य का नाश करने से उसका शरीर कमजोर हो चुका है, आंखें कमजोर हो चुकी है, डाइजेशन सिस्टम खराब रहने लगा है, यहां तक कि मसल ग्रोथ भी रुक जाती है और छोटी ही उम्र में चेहरे पे झुर्रियां आना, बाल सफेद होना जैसे एजिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जिस कारण एक इंसान खुद को बाकियों के मुकाबले में काफी कमजोर और मामूली सा समझने लगता है। वहीं डिवाइन प्रॉब्लम के अंदर एक इंसान का दिमागी विकास ही रुक जाता है, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वो चीजों को ज्यादा समय तक याद ही नहीं रख पाता और किसी महत्वपूर्ण बात को गहराई से सोच या समझ पाना तो बिल्कुल भूल ही जाओ, बल्कि ऐसे लोग बहुत ही जल्दी ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग बार बार अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बदलाव कर ही नहीं पाते, क्योंकि भाई उनका दिमाग इन गलत आदतों की वजह से कमजोर हो चुका होता है। और जब एक इंसान का दिमाग इन दोनों प्रॉब्लम से गिर जाता है, तब भाई वो चाहकर भी स्पिरिचुअल बन ही नहीं पाता, जिस कारण उसका पूरा जीवन बस स्ट्रगल करते हुए बीतता है और वो चाहकर भी कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ ही नहीं पाता। अब ये तो बात हुई प्रॉब्लम की और उसके आइडेंटिफिकेशन की, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को बारीकी से समझ पाए, लेकिन अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब इसे ठीक कैसे करें भाई? और अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करें तो कितने दिनों में हमारी ये बर्बाद हुए सीमन की भरपाई होगी भाई? इन सारे सवालों का भी तो जवाब दो। तो दोस्तों इसे समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अब मान लो कि आपके पास तीन तरह के कपड़े हैं, एक जो आपने पहन के रखा है वो, दूसरा जो आप अपने किचन की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हो वो, और तीसरा जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में पोछा मारने के लिए करते हो। तो अगर मैं आपको इन तीनों कपड़ों को साफ करने के लिए कहूं, तो क्या ये तीनों कपड़े एक ही समय पर एक ही तरीके से साफ हो जाएंगे? अब इस पर कई लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसा बेतुका सवाल है, आखिर जो कपड़ा ज्यादा गंदा होगा उसे साफ करने में ज्यादा मेहनत और समय लगेगा ना, और कई बार तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले डिटर्जेंट पाउडर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, राइट? तो भाई बिल्कुल यही प्रिंसिपल हमारे शरीर पे भी अप्लाई होता है। जब हम लगातार कई दिनों से, कई महीनों से या कई सालों से वीर्य का नाश कर रहे होते हैं ना, तब इससे हमारे शरीर की सातों धातुओं पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण जिस बंदे ने कुछ महीनों से वीर्य का नाश किया होता है वो तो बड़ी ही जल्दी से अपने सीमन की भरपाई कर लेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने सालों से अपने शरीर को गंदा करके रखा है उसे सीमन की भरपाई करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना भाई, लेकिन होगा जरूर, ये बात तो पक्की है। अब सच बताऊं तो आयुर्वेदा में कहीं पे कोई फिक्स डे या डेट का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता,
लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कई सारे एक्सपर्ट के ओपिनियन को मिक्स करके बताऊं, तो जब हम केवल एक महीने के लिए सीमन को अपने बॉडी में रिटेन करके रखते हैं ना, तो उसके बाद से ही धीरे धीरे हमें उसके बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप खुद ये महसूस कर पाओगे कि आपके बॉडी के सप्त धातु अब सही से बैलेंस वे में काम करना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि अब ऑटोमेटिकली आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही जो पहले हेयर फॉल, स्किन की प्रॉब्लम और डाइजेशन के इश्यू चल रहे थे ना, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखेंगे आपको। साथ ही आपका फोकस और किसी भी चीज को तर्क वितर्क करके समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इसके साथ ही आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ महसूस कर पाओगे, और जो पहले छोटे मोटे रिस्क लेने से भी डरते थे ना, वो भी अब अपने लाइफ में रिस्क और बड़े बड़े एक्शन लेने से भी नहीं डरेंगे। और ये बदलाव मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे। और जितना ज्यादा लंबे समय तक आप इसे फॉलो करते हो ना, उतने ही अलग अलग पावर आपको अपने बॉडी में अनलॉक करते हुए आप महसूस कर पाओगे। आप चाहो तो चेकलिस्ट बना करके खुद की एक्सपीरियंस खुद से नोट कर सकते हो। बाकी आपके मन में और भी सवाल मौजूद है तो वो हमें कमेंट करके या ईमेल करके बता सकते हो, हम जल्द से जल्द उनके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी ये जानना चाहते हो कि कैसे कुछ पूंजीवाद लोग चालाकी से हमें अपने मायाजाल में कैसे फंसा रहे हैं, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।